वेलकम टू एबीसी कैंपस आज हम अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के टॉपिक से रिलेटेड आई कैप का स्प्रिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन का टाइटल है जेमिनी क्लब नाइन मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ये है कि जेमिनी क्लब प्रिपेयर इट्स कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री हाउवर द एक्सेल शीट कंटेनिंग स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाज इन एडवर्टेंटली डिलीटेड द फॉलोइंग कंपेरेटिव बैलेंस शीट अलॉन्ग विद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अवेलेबल तो हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अंदर हमें बैलेंस शीट गिवन है हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और रिक्वायरमेंट ये है कि हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए फॉर देंडेट थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और इन्हीं पीरियड्स की हमें रिसीट ऑफ पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बट विद कंपेरिटिव गिवन है कम्पेरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड और इस डाटा से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कम्पेरेटिव फिगर्स कैलकुलेट भी नहीं की जा सकती क्योंकि वो डाटा अवेलेबल नहीं है अब हमारी ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए हम इस वीडियो के अंदर टी अकाउंट्स बनाएंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप टी अकाउंट्स बनाएं आप प्लस माइनस करके कैलकुलेटर पे करके भी इन आंसर्स को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली एक सीक्वेंस में सबसे पहले हम जैसे जनरल फंड को अगर हम देखें तो यू वुड नोटिस के जनरल फंड का जो बैलेंस है वो मैच हो रहा है 1586, 1766 आया और ये ओपनिंग बैलेंस मैच हो रहा है हमारा आंसर ठीक है या नहीं वो हमें इस तरह पता चलेगा कि हमारे जो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर का एक्सेस है वो 62 आना चाहिए अगर ये मैच हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है इसके बाद की फिगर्स को अगर हम देखें तो उसमें टेनस कोर्ट फंड है और इससे रिलेटेड हमें रसीद भी नजर आ रही है एंड वी कैन सी के 200 का ओपनिंग फंड था 60 की रिसीट हुई क्लोजिंग फंड 260 है यानी इससे रिलेटेड कोई अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं गई इसके बाद अगर हम देखते हैं लाइबिलिटीज साइड पर तो मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन की लाइबिलिटी है और उसको अगर हम देखें तो मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटीज़ में मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन एसेट्स में यानी रिसीवेबल होगा और 790 की मेंबर सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव भी हुई है इन सारी इंफॉर्मेशन को अगर हम एक टी अकाउंट में पुट करें तो हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंबर सब्सक्रिप्शन की जो इनकम आनी चाहिए वो एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी नाइन जीरो सेवन सिमिलरली मेंबर सब्सक्रिप्शन के बाद हमें लाइबिलिटीज़ में नज़र आ रहा है कि सैलरीज की फिगर है तो सैलरीज पेबल हैं फोर्टी और फिफ्टी की इसी तरह एडवांस सैलरीज हैं फिफ्टीन और एटीन की और सैलरीज की पेमेंट फाइव की हुई है इस इंफॉर्मेशन की बेस पर अगर हम सैलरीज का अकाउंट बनाएं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर के तौर पर एक्सपेंस 568 आता है सैलरीज के बाद लाइब्रेटीज़ में वी कैन सी यूटिलिटीज़ का पेएबल है 18 और 25 का और यूटिलिटीज़ की पेमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 214 की है इससे अगर हम इसका टी अकाउंट बनाएं तो वी गेट द आंसर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू का एक्सपेंस होना चाहिए नेक्स्ट आइटम लाइब्रेटीज़ में एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट है और उसमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो ज़ीरो और टेन उसके बाद अगर आप पेमेंट देखें तो फोर्टी नाइन एटी सिक्स की दो रिसीट्स हैं और पेमेंट साइड पर वन एटी की पेमेंट है तो इन सारी रिसीट पेमेंट्स और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को अगर हम एक ही अकाउंट में लेकर आते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें 55 का एक्सपेंस नज़र आता है यानी नेट अमाउंट जो है वो एक्सपेंस की बनती है इसके बाद अगर हम लाइबिलिटीज uh, देखें तो हमारी कंप्लीट हो गई तो अब हम दूसरी साइड पर एसेट साइड पर चलते हैं और उसमें पहला आइटम फिक्स एसेट का है तो उसको हम पिक करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है थर्टीन और फोर्टीन का फिक्स एसेट्स की पेमेंट 92 की हुई है और एक टेनिस कोर्ट की कंस्ट्रक्शन भी हुई है 110 की इस सारी इन्फॉर्मेशन को अगर हम टी अकाउंट में पुट करते हैं तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल जाएगा जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 99 का शो करना चाहिए इसके बाद मेम्बर सब्सक्रिप्शन का एडवांस जो रिसिवेबल है वो तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं नेक्स्ट आइटम इज मिसलिनियस सप्लाइज तो मिसलिनियस सप्लाइज का प्रीपेड या स्टॉक जो मौजूद है वो ओपनिंग टेन और क्लोजिंग थर्टीन है और इसी के साथ मिसलिनियस सप्लाईज की पेमेंट वन की है इस पर अगर हम टी अकाउंट बनाएंगे तो दैट वुड गिव अस द आंसर के 129 का एक्सपेंस बनना चाहिए मिसीनियस सप्लाईज के बाद हम देखते हैं कि एसेट में टक शॉप का रेंट आ रहा है अब रेंट एसेट्स में आ रहा है तो ये दो सिचुएशन होती हैं कि रेंट या तो प्रीपेड होगा या दूसरी बात यह कि ये रेंट रिसीवेबल होगा तो एक्चुअली अगर हम देखें तो रिसीट साइड पर भी हमें रेंट नज़र आ रहा है इसका मतलब है रेंट हम पे नहीं करते बल्कि हमें रिसीव होता है तो ये हमारी रेंट इनकम बनेगी तो टक शॉप का जो रेंट है रिसीवेबल ओपनिंग थर्टी सेवन क्लोजिंग थर्ट फोर्टी वन और इसी तरह जो रिसीव हुआ है वो रिसीट्स uh, के अंदर टू फोर्टी एट का शोर है वंस अगेन इससे अगर हम टी अकाउंट बनाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें टक शॉप रेंट की टू फिफ्टी टू की इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करनी चाहिए अब ये सारे आइटम्स रिकॉर्ड करने के बाद अगर हम देखें तो फिर नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस है बैंक का ओपनिंग फाइव थर्टी और क्लोजिंग फोर फिफ्टी और ये रिसीट एंड पेमेंट के साथ मैच हो रहा है यानी कोई डिफरेंस की बात नहीं है तो आफ्टर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग हमारे पास अब बैलेंस शीट के सारे आइटम जो है ना वो हमने कवर कर लिए बट स्टिल देर आर टू फिगर्स जो बाकी हैं रिसीट एंड पेमेंट में और वो हैं स्क्रैप सेल्स और रिपेयर एंड मेंटेनेंस अब अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो फोर्टी की है और इट हैज नो एसेट और लाइविलिटी रिलेटिंग टू इट इसका मतलब है कि पेमेंट फोर्टी की हुई है तो एक्सपेंस भी फोर्टी का है इसी तरह जो स्क्रैप सेल्स है ये रिसीट हुई है फिफ्टीन की तो फिफ्टीन की रिसीट हुई है और इससे रिलेटेड कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है इट मीन्स कि ये रिसीट और इनकम यहाँ पर इक्वल है तो हमें ये दो आइटम और पता चले कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस फोर्टी का और स्क्रैप सेल्स की जो इनकम है वो फिफ्टीन की रिकॉर्ड होनी चाहिए तो जब हमने ये सारी अमाउंट्स कैलकुलेट कर ली तो नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे और अपने इस डेटा की बेस पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट है वो मेंबर सब्सक्रिप्शन का है जिसमें नाइन ज़ीरो सेवन की इनकम हम रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद हमारे पास सैलरीज हैं जिन्हें हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर लेंगे फाइव सिक्सटी एट का देन वी हैव यूटिलिटीज़ टू ट्वेंटी वन का एक्सपेंस देन वी हैव एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट इसमें भी फिफ्टी फाइव का नेट एक्सपेंस आया है देन फिक्स्ड एसेट से हमें डेप्रिसिएशन की फ़िगर पता चलेगी नाइन्टी नाइन मिसलिनियस सप्लाईज का एक्सपेंस वन ट्वेंटी नाइन ये भी एक्सपेंस बन जाएगा उसके बाद टक शॉप रेंट है जिसकी इनकम टू फिफ्टी टू की हमें रिकॉर्ड करनी है ये हम इनकम में रिकॉर्ड करेंगे इसके बाद हमारे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आइटम है जो कि फोर्टी का एक्सपेंस हमें बनाना चाहिए और लास्ट में स्क्रैप सेल्स की इनकम है फिफ्टीन की जिसे हम इनकम में शामिल कर देंगे और अब क्योंकि हम सारे आइटम शामिल कर चुके हैं तो सिंपली हम इनकम का टोटल करेंगे इनकम का टोटल वन वन सेवन फोर एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे ट्रिपल वन टू और हमारे पास नेट सरप्लस आ जाएगा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सिक्सटी टू का जो कि क्वेश्चन में गिवन जो सरप्लस है उसके साथ मैच कर रहा है और इससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर करेक्ट है दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे